हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप व्हाट इज़ अप व्हाट इज़ अप। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आई लुक सो शिटी राइट नाउ। आई एम सिटिंग विद माय हीट बैग बिकॉज मेरे लेफ्ट साइड पे स्वेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा, लाइक हियर। और वो इसलिए आई है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा साइनस की दिक्कत है, तो डॉक्टर सेड कि वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा कफ जम चुका है, तो उस वजह से मुझे स्वेलिंग हो गई है गाइस। और अनबियरेबल पेन है उस स्वेलिंग में। अभी मेरा कल चेकअप होगा, एक्सरे आई गेस, अल्ट्रासाउंड हुआ था आज, बाकी कल एक्सरे है। और मैं सुबह से उठ ही नहीं पाई हूँ व्लॉग करने के लिए, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी व्लॉग करने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये 365 डेज वाला, मुझे ऐसे लगता है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, उन पॉइंट्स पर आ गया, ऐसे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। मतलब अगर मैंने नहीं डाला तो काफ़ी दुख होगा मुझे, और अगर मैंने डाला तो भी मुझे दुख होगा कि क्या शिटी व्लॉग डाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इतने ज़्यादा एक्ने हो गए मेरे फेस पे गाइस, बट मैं हर चीज़ को बड़े उसमें पॉजिटिव वे में लेती हूँ। मतलब ऐसा रोना पिटना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट हाँ जो चीज़ है वो मैं जेन्युइनली आगे बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है गाइस। और मैं लिटरली थोड़ा तेज़ भी नहीं बोल पा रही क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है मुझे, ऊपर नीचे सांस ले रही हूँ तो वहाँ पे बहुत पेन हो रहा है। और अगर सेम किसी के साथ ऐसे होता है तो प्लीज़ मुझे बताना गाइस, हम होम रेमेडी से ठीक हो सकते हैं नहीं, क्योंकि दवाइयाँ मुझसे नहीं खाई जाती बिल्कुल भी। इसलिए आज तक मेरा साइनस कभी ठीक नहीं हो पाया क्योंकि मैंने हर ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दिया। मैं सांस ले रही हूँ इसमें तब भी बहुत दर्द हो रही है। तो शिल्पा ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है व्लॉग करने की, तो रेस्ट कर ले। वो मम्मी पापा भी बोल रहे थे कोई नीड नहीं है ऐसे व्लॉग करने की, पहले हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि नहीं यार, मेरे 365 डेज मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं ऐसे एक दिन की तबीयत की खराब के पीछे नहीं छोड़ सकती। और मुझे नहीं पता हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कि अभी तो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है उधर की, स्वेलिंग कब तक ठीक होगी और मैं प्रॉपर कब तक ठीक हो जाऊँगी। मेरी आईज लिटरली बहुत स्वेल्ड है गाइस, सी मतलब, क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ दर्द शिट, हंस भी नहीं पा रही हूँ ज़्यादा तेज। और ये पेन कब जाएगा कब नहीं मुझे नहीं पता, और मेरा लिटरली घर से बाहर निकलने का मन कर रहा है क्योंकि मैं इस बेड पे, इस रूम में मैं इरिटेट हो गई गाइस, मैं अब गई हूँ, अब मुझसे नहीं और लेटा जा रहा है इधर। या तो मुझे कहीं ट्रिप पे ले जाओ या कुछ, मेरा इतना मन है अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने का, पर ये हेल्थ ना मेरी साथ नहीं दे रही और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ खुद में ही बहुत ज़्यादा कि मैं, मेरा काम मेरी हेल्थ की वजह से छूट रहा है यार। बट कोई नहीं, हम ओवरकम करेंगे इससे, और आई विश ये जल्दी स्वेलिंग ठीक हो जाए बस यार। मैं पेन मैं झेल लूँगी, पर ये जो स्वेलिंग है ना इससे थोड़ा दिक्कत आ रही है। पेन का तो क्या ही है, कोई नहीं झेल लेंगे वो तो हम, स्वेलिंग नहीं यार। मैंने सोचा मैं अपडेट तो करी दूँ कम से कम तुम लोगों को कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और व्लॉग इतना लेट हो रहा है तो बस मैं सोचा एक अपडेट वाला व्लॉग बना देती हूँ। आज मन तो कर नहीं रहा था कुछ व्लॉग व्लॉग करने का, और तुम लोग सजेस्ट करना अगर तुम्हारे साथ भी, मतलब किसी के साथ ऐसे प्रॉब्लम है साइनस में कि स्वेलिंग हो जाती है ऐसे साइड्स पे, तो तुम लोग क्या करते हो, या कोई अच्छा डॉक्टर इन दिल्ली प्रेफर कर देना यार। मुझे होम्योपैथी मेडिसिन खानी है मेरे को, वो क्या कह रही हूँ मैं, टैबलेट्स वाली या ये सब दवाइयाँ नहीं करनी क्योंकि मैं नहीं खा पाती हूँ मेडिसिन। मुझे हमेशा घोल के चम्मच में फिर पीती हूँ उसको, मैं खा नहीं पाती मेडिसिन। अगर छोटी मेडिसिन है तो इट्स फाइन, अगर बड़े कैप्सूल्स हैं टैबलेट्स हैं मैं नहीं खा पाती। तो प्लीज़ कोई अच्छा डॉक्टर मुझे सजेस्ट करना ताकि मैं इस चीज़ को जल्दी ठीक कराऊँ और ये मुझे फिर दिक्कत ना दे। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, ये एक अपडेट वाला व्लॉग था गाइस सिर्फ। और मैं अब भी सीधा सिर्फ लेट नहीं जाऊँगी, पर मेरा लिटरली ऐसा मन कर रहा है कि मैं बाहर निकलूँ, या तो मैं कहीं ऐसे ही सिर्फ ड्राइव अराउंड करके आ जाऊँगी विवेक के साथ कि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, क्योंकि बहुत इरिटेशन हो रखी है बहुत ज़्यादा। और घर पे भी कोई नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे चाचू की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो सब वहाँ गए हैं और उधर भी देखना पड़ रहा है इधर भी देखना पड़ रहा है, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं गाइस। हे भगवान मुझे शक्ति दे, आउच, ज़्यादा तेज़ हंसा नहीं जा रहा गाइस मेरे से,
बाकी हाँ यही दैट्स इट फॉर द व्लॉग. और मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगी, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं इसमें एक भी कट लगाऊँ या इसको एडिट करूँ. जैसा बन गया वैसा बन गया गाइज, बस ओके. लाइक कॉमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. और प्लीज़, काफ़ी लोग बकवास करने आ जाते कि तुम बीमार रहते हो हमेशा, आप बीमार रहते हो. भाई तुम मेरे कॉमेंट सेक्शन में आना भी मत, मेरे में लेजिट हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे बकवास नेगेटिव कॉमेंट्स में देखूँ. मेरा व्लॉग भी मत देखो, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो. मैं इस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, इस लेवल पे हूँ. अगर बकवास कमेंट करनी है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मी एंड फक ऑफ. बाकी जो लिटरली दिल से केयर करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल. आज के दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊँगी. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय गाइज़.